Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss citric acid cycle, that is also called as tricarboxylic acid cycle, TCA cycle and Krebs cycle. ठीक है, तो इसके तीन नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा. जब भी तीनों में से कोई भी नाम लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल की बात हो रही है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, किसी भी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे लेवल तक. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है. इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी और इसको आप एक दो मरतबा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. हमें ये पता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है कहाँ हो रही होती है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें पाइरूवेट मिला, तो वही पाइरूवेट, हर उसमें दो पाइरूवेट मिले थे, यहाँ पे एक पूरा पाइरूवेट पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा. ठीक है, एंड अगेन दूसरा पाइरूवेट भी पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा. ठीक है, तो दो, एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल के लिए दो बार सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, ये बात जहन में रखिएगा. सो पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इंटू एसिटाइल को ए, और इस रिएक्शन में को ए जो है और एन ए डी एच यूटिलाइज हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी और एन ए डी एच प्रोड्यूस हो रहा होगा. ठीक है, एक तो हमने ये बात देखी कि यहाँ पे एन ए डी एच बन रहा है. ठीक है, और को ए यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज. ठीक है, एसिटाइल को ए फिर वो ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा. ठीक है, अब ये साइकिल में एंटर हो जाएगा एसिटाइल को ए, और ये ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन को ए रिलीज हो जाएगा, वाटर ऐड होगा जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंड सिट्रेट सिंथेस इज द एंजाइम. याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिट्रेट बन रहा है ना, इसकी सिंथेसिस हो रही है, तो एंजाइम कौन सा है, सिट्रेट सिंथेस. ठीक है, मैं साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बताती जा रही हूँ जिसके थ्रू आपको जहन में रखना है. देन सिट्रेट से वाटर निकला एंड एकोनिटेज एंजाइम वो इस रिएक्शन में अपना पार्ट लेगा और सिट्रेट को सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट कर देगा. देन अगेन सिस एकोनिटेज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, और इसमें वाटर ऐड होगा. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वी कैन सी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही होगी और अगेन एक NADH प्रोड्यूस हो रहा होगा. अल्फा कीटो ग्लूटरेट फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट को कन्वर्ट कर देगा सक्सिनाइल को ए में. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एंजाइम का नाम लिया है और ये एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के ऊपर ही इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये उसकी डिहाइड्रोजिनेशन करवाएगा और उसे सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट कर देगा. और इस रिएक्शन में हमने देखा कि को ए भी ऐड हो रहा होगा क्योंकि उसे आगे प्रोडक्ट में लगना है, और एन ए डी एच जो है वो एन ए डी जो है एन ए डी एच में कन्वर्ट हो रहा है. सो अगेन ये हमारे पास हमें एनर्जी प्रोडक्ट मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है. आफ्टर दैट सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन में जाहिर सी बात है को ए हट रहा है तो को ए लिबरेट होगा और जी डी पी से जी टी पी बन रहा है, यानी जो सबस्ट्रेट है वो अपना एक फॉस्फेट दे देगा और जी टी पी जी टी पी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ट्राई फॉस्फेट में. इस रिएक्शन में सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम यूज हो रहा है. ठीक है, आफ्टर दैट सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, और इस रिएक्शन में एफ ए डी एच टू बन रहा है. देन फ्यूमरेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मैलेट एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, और इसमें वाटर ऐड हो रहा है. फिर हमने देखा कि फ्यूमरेट इज अगेन गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटेट जिसमें हमें अगेन एन ए डी एच मिल रहा है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज्ड हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल. ये पूरा रिएक्शन था जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में हो रहे होते हैं. ये याद रखिएगा कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये दो बार सिट्रिक एसिड साइकिल होती है. क्यों? क्योंकि एक दो पाइरूवेट बनते हैं, एक पाइरूवेट पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमता है जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर अगेन सेकेंड पाइरूवेट जो है ये पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहा होता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है.
यहाँ पे मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट बात लिख दी। साइकिल तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपको काफ़ी इजीएस्ट वे में बताई है और इसको थोड़ा बहुत जहन में तो रखना पड़ता है, एक दो मरतबा गो थ्रू करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी, ठीक है। सो एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ इसके साथ बताती चलूँ, ताकि आपको एट द एंड जब आपके पास टाइम नहीं रहता तो आप जल्दी से मेरे ही बताई हुई इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, तो आपके तमाम मेजर क्वेश्चन इंशाल्लाह निकल जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ ये है क्या सिट्रिक एसिड साइकिल? इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड जो एनर्जी होती है एसिटाइल को ए में, पायरूवेट से एसिटाइल को ए बन रहा होता है और एसिटाइल को ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है इस सिट्रिक एसिड साइकिल से। एसिटाइल को ए में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है। अच्छा, ये एसिटाइल को ए किसी से भी ड्राइव हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट से हो, फैट से हो, प्रोटीन से हो, इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो क्रेब्स साइकिल से हो रही होती है, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है और ये दो टाइम होता है क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें दो पायरूवेट मिल रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल। मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बोल सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना लूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।